मैं ये कह रहा था कि जो सेवन सिस्टर्स प्लस सिक्के में वहां का राजनीतिक परिदृश्य पिछले कुछ महीनों से बड़ी तेजी से बदल रहा है, और विशेष रूप से जो मणिपुर का प्रभाव है, उस मणिपुर के प्रभाव को अब न केवल पूर्वोत्तर वाले राज्य बल्कि समूचा देश महसूस कर रहा है। विशेष रूप से ये नैरेटिव कि प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, गृह मंत्री ने वहां पर किसी प्रकार का कोई ऐसा इफेक्टिव स्टेप लिया नहीं जिससे कि वहां पर इतने समय से चल रही हिंसा को रोका जा सके, और इस बीच में जब राहुल गांधी ने ये नैरेटिव दिया और ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ऐसा लगता है कि केंद्रीय सरकार के लिए और भाजपा के लिए मणिपुर अब भारतवर्ष का हिस्सा ही नहीं है, ये जो एक फ्रेम डेवलप हुआ है इसने समूचे नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को मुझे लगता है लगभग समाप्त सा कर दिया है। और आसाम के मुख्यमंत्री जो बड़े असफल मुख्यमंत्री रहे नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से, उनको ये लग रहा है कि शायद ये न्याय यात्रा के ऊपर यह अपना आक्रमण करके या इसको रोक करके वह अपने आप को एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में दिखाना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, और कल का जो मंदिर वाला प्रकरण हुआ और आज जिस तरह का लाठीचार्ज का आ रहा है, विश्वविद्यालय के अंदर उनको जाने नहीं दिया, ये थियोक्रेसी और एथोरिटेरियनिज्म इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। असल में जब लोग इस प्रणाली का हिस्सा बनते हैं आनंद जी, तो उनको ये लगता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं वह सर्वमान्य है, सबको स्वीकार है, और भाजपा के इन मुख्यमंत्री को और भाजपा के सभी मुख्यमंत्रियों को, हमारे यहां भी यही हो रहा है, सभी मुख्यमंत्रियों को ये लगने लगा है कि वो जो कुछ कर रहे हैं अब वही देश हित में है, वही जनता के हित में है, बाकी जो कुछ करना चाहते हैं वो देश के हित के लिए नहीं है, जनता के हित के लिए नहीं है, इसलिए उनको अस्वीकार करो। और उनका ये जो दंभ है राजनीति के अंदर, वह दंभ धीरे धीरे इनकी जो वास्तविकताएं हैं उन वास्तविकताओं को सामने लाता चला जा रहा है, और इसलिए ये न्याय यात्रा भाजपा और भाजपा के सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि हम इससे कैसे निपटें। एक तो पार्ट ये है, दूसरा जो पार्ट आपके जो एक उन्होंने व्यूअर पूछा था, उनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए। बाबर तो कभी अयोध्या गए ही नहीं थे, ये इतिहास का तथ्य है, और जिस दौर में बाबरी मस्जिद बनी उस दौर के अंदर तो तुलसी भी थे, तो तुलसी ने तो कोई ऐसा संकेत दिया नहीं, और 1949 ऑनवर्ड क्या हुआ है ये सब ऑन रिकॉर्ड है, उस कमीशन की रिपोर्ट को देखा जाए। बहरहाल इन्होंने जो कुछ वहां पर किया वह एक राजनीति है, अगर रिलीजन पॉलिटिकल नैरेटिव में कन्वर्ट हो जाए और पॉलिटिक्स रिलीजन के माध्यम से अपना विस्तार करने लगे तो वह देश एक बहुत खतरनाक मोड़ में पहुंच रहा है, और इन्होंने हिंदुस्तान को एक खतरनाक मोड़ में लाकर के खड़ा कर दिया है। धर्म राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करे यह अपने आप में एक ऐसी बड़ी चुनौती है आम जनता के सामने, जिसको कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जो न्याय यात्रा है उसमें उन्होंने जिन न्याय को शामिल किया है, चाहे वो भागीदारी का सवाल हो, चाहे वो किसानों का सवाल हो, चाहे वो श्रमिकों का सवाल हो, चाहे वो युवाओं का सवाल हो, ये जो एक पार्ट है, इस पार्ट के लिए ये थियोक्रेसी और ऑटोक्रेसी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कल जो उन्होंने अयोध्या के अंदर किया, अयोध्या में जो मैंने कहा ना पहले भी जब आपकी बात होती, ये तो उन्होंने एलिटिज्म कर दिया वहां पर, आम जनता के लिए तो है ही नहीं, धर्म अभिजन के पास चला गया, जो एलिट स्ट्रक्चर है उसने अयोध्या के ऊपर कब्जा किया है, और उस कब्जे में जो अयोध्या का आम बाशिंदा है, जो आम नागरिक है वहां का, वो धीरे धीरे
अपनी बहुत सारी चीजों को खोता चला जा रहा है। आपको ध्यान होगा जब बनारस में कॉरिडोर का निर्माण हुआ था, तब वहां पर भी जो आमजन था, उस आमजन के मकानों को, उनके घर के अंदर रहने जो बसे हुए मंदिर थे बहुत पुराने पुराने, वो सब तोड़ने का शिकार बन गए थे। और फिर एक बहुत बड़ा वहां पर इस समय क्योंकि अथॉरिटेरियन रूल है, लोकतांत्रिक विरोध को किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा ये सब उभर करके आ रहा है। पर ये कब तक? क्योंकि ये देश की समस्याओं का समाधान नहीं है। आपको ध्यान होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि जो भारत के विश्वविद्यालय हैं ये लोकतंत्र के सही मंदिर हैं, और अगर भारतवर्ष के अंदर कभी लोकतंत्र को असफलता की संभावनाओं का सामना करना पड़ा तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण बनेगा वो विश्वविद्यालय बनेंगे। इन्होंने उन विश्वविद्यालयों के अंदर लोकतांत्रिक ढांचे पर होने वाले समूचे विमर्श को, प्रत्येक डायलॉग को, सेक्युलर डायलॉग को खत्म कर दिया। इन्होंने तो जो हिंदुस्तान के अंदर पनपी हुई दार्शनिक परंपराएं हैं, जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जो वेदांत हो, जो लोकायत हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे मीमांसा हो, उन सबको दरकिनार कर दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि केवल सनातन ही महत्वपूर्ण है। और ये उस सीमा तक चले गए जहां पर कि ये शंकराचार्य से जब विवाद शुरू हुआ तो उस विवाद को लेकर के इन्होंने हिंदू धर्म के अंदर ही एक विभाजन करने की कोशिश की कि यहाँ पर शंकराचार्य का क्या काम, ये शैव का क्या काम। ये जो एक विभाजन मूलक राजनीति है वह राजनीति बहुत खतरनाक है। एक बात मुझे और लग रही है, पता नहीं मेरे अपने जो साथी हैं वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन सर मेरे दिमाग में एक बहुत जिसको मैं कल से मुझे उस बात को लेकर के थोड़ा टेंशन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल जो इन्होंने किया है उसके बाद में टू नेशन थ्योरी कंप्लीट हो गई, जिस बात को लेकर के स्वाधीनता संघर्ष के अंत में दो राष्ट्रों के सिद्धांत की बात की जा रही थी, और जिस दो राष्ट्रों के सिद्धांत को उस समय सेक्युलर क्रेडेंशियल्स ने पूरी तरह से रोक दिया था और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बाहुल्यतावादी राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर यह मैसेज दिया था कि नहीं, उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष के बाद और इतनी बड़ी क्राइसिस के बाद भी हम धर्मनिरपेक्ष और बाहुल्यतावादी शासन के रूप में एक लंबे अरसे तक काम कर सकते हैं, क्या हुआ टू नेशन थ्योरी स्थापित करने की दिशा में कोई काम तो नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा है तो ये केवल भारतवर्ष के लिए नहीं, दक्षिण एशिया और एशिया के लिए नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए एक बहुत खतरनाक पॉइंट साबित होगा। क्योंकि अगर थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर के साथ डेमोक्रेसी का डिक्लाइन और डेमोक्रेसी की समाप्ति होती है, और बहुत सारी चीजें धर्म के नाम पर, अगर अनुशासन के नाम पर लोगों के बीच में स्थापित कर दी जाएंगी, तो शोषण, दमन, मार्जिनलाइजेशन और एक्सक्लूजन का कोई अंत नहीं होगा। हमें अब इस पर भी बहुत गंभीरता से विमर्श करने की जरूरत है कि देश के विकास की दिशा किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है, और वह दिशा इतनी खतरनाक साबित हो सकती है आम जन के लिए।